भाई स्नोफॉल शुरू हो चुका है और भाई यहाँ मतलब जो ठंड है, ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लो, डू नॉट हॉल्ट हियर फॉर मोर देन 20 मिनट। मतलब थोड़े दूर में एक वो बाइक वाला खड़ा है, उसके अलावा मेरे को कोई नहीं दिख रहा आगे। लाइफ में पहली बार एक ऐसी जगह पे स्टे मिला है जहाँ से सुबह सुबह आपकी खिड़की से इतना सुंदर नज़ारा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। कल हम पहुँचे सरचू से ले, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा और टायरिंग डे था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद उसको देख लेना। आज का भी जो दिन है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नुब्रा वैली वाया खारदुंगला पास। तो आज की तैयारी थोड़ी अलग तो नहीं बोलूँगा, बट आज की तैयारी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आज का डर थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कोल्ड देयर। अभी फ़िलहाल हमारा डेटा ट्रांसफ़र चल रहा है, क्योंकि सरचू में तो पावर सॉकेट्स मिले नहीं, और पावर सॉकेट्स मिले नहीं तो डेटा ट्रांसफ़र हुआ नहीं। तो उस पूरे दिन का डेटा ट्रांसफ़र अभी चल रहा है। कल रात में शुरू किया था, लेकिन इतनी हिम्मत हुई नहीं कि हम जा के डेटा ट्रांसफ़र कर सकें, तो अभी कर रहे हैं। अभी सामान की हालत थोड़ी ऐसी है, सामान सारे बिखरे हुए हैं। धीरे धीरे पैकिंग अपन करते जाएंगे और इन सब सामान को सॉर्ट करते जाते हैं। एक तो ये जो रोज़ का काम होता है ना पैकिंग वाला, ये बहुत मेहनत वाला होता है। रोज़ सामान निकालो, फिर उनको वापस भरो, फिर बाइक पे लोड करो, और इसमें भी अपना एक मज़ा है ना। तो लोड कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। वैसे तो अभी बारिश हो नहीं रही है, बट पासेस की कोई गारंटी नहीं होती। दूसरा जो अपना रेन गियर होता है ना, रेन कवर होता है, वो आपके बैग को डस्ट से ही बचाता है, इसीलिए ये ज़रूरी है, इसका उसके अंडर रखा है, इन केस बारिश शुरू होती है तो उसको अपन यहाँ लगा सकते हैं। तो लगेज मेरा सेट हो गया है। एक ज़रूरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़, जो आप यू नो ले पहुँचते हैं, एंड इट इज़ अ रिचुअल, आपको अपनी बाइक में बांधना होता है, तो ये फ्लैग्स। मतलब मैं जाके ख़रीद तो नहीं पाया, बट जो मेरे रूममेट हैं राजीव, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा थे, वो गए थे कुछ एक्स्ट्रा ख़रीद के ले आए थे, तो उन्होंने मुझे दे दिया। दिल से खुशी हो रही, लाइक फील्स लाइक एन अचीवमेंट, कि अब यहाँ आते हैं, यहाँ आके इसको ट्राई करते हैं। मिलने को तो ये मनाली भी मिल जाता है, लेकिन स्टिल आई थॉट कि नहीं यार, ले आ जाएंगे, यहीं पे लगाएंगे। तो बस पैकिंग अपनी हो गई है, सामान अपना लोडेड है, ये और ये मैं रखूँगा, ये जाएगा लगेज वैन में, इसका चेन हो गया ख़राब थोड़ा, बाकी अपन सेट है। तो एवरीवन सीम्स टू बी रेडी। ए भाई ओमकार रेडी है, विजय भाई रेडी, सबके सब ऑलमोस्ट रेडी हैं। लगेज सेटअप में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ये वाला जो पॉकेट है वो मैंने खाली किया है। यहाँ एक 5 लीटर का जेरी कैन भरना है पेट्रोल का, बिकॉज ऐसा पता चल रहा है अभी कि नुब्रा में पेट्रोल का थोड़ा शॉर्टेज है, वहाँ नहीं मिलेगा, एंड वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, तो पेट्रोल ज़रूरी है। सो द राइड स्टार्ट्स, एंड दिस बाइक हैज गॉट अ नाइस थंप। अभी मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए क्योंकि यार एक तो काफ़ी गर्मी है, दूसरा मुझे अभी पेट्रोल पंप पे रुकना है और एक जेरी कैन खरीदना है। थोड़ी देर के लिए ग्लव्स नहीं पहना हुआ, जैसे फिर पेट्रोल पंप वगैरह वाला काम हो जाएगा अपन ग्लव्स वापस पहन लेंगे, बिना ग्लव्स के नहीं चलाने का है बिल्कुल। ले में अभी हम लोग प्रेजेंटली हैं अराउंड 11,400 फीट के आसपास हाइट पे। सरचू में रहने के बाद यार ये जो हाइट है काफी कंफर्टेबल लग रही है, मतलब सरचू में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ले में आपको जो रिवर मिलेगी दैट इज शोक रिवर। अभी रास्ते में मुझे ये देखना है कि यार जेरी कैन कहाँ मिलेगा। एक मोनेस्ट्री है वो ऊपर है पहाड़ों के ऊपर, और ये लैंडस्केप देखो, मतलब यार लिटरली मतलब मैं तारीफ कर करके थक चुका हूँ पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन जब देखो तब कुछ नया लगता है, कुछ बेहतर लगता है, और मतलब मेस्मराइजिंग लगता है। अभी अपन थोड़ा सा वापस जा रहे हैं, मैं बहुत देर सोच रहा था जेरी कैन लेना है लेना है लेना है लेना है लेना है, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि यार मैं जाता हूँ वापस लेके आता हूँ। आंटी कैन मिलेगा, कैन पेट्रोल के लिए नहीं मिलेगा, जेरी कैन, जेरी कैन आंटी, ऐसा खाली बॉटल मिलेगा अंकल, ऐसा खाली कैन मिलेगा क्या, ऐसा खाली वाला कैन नहीं है, पेट्रोल फिल करना है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, नहीं वो पूरा खाली करना पड़ेगा ना उसको, हाँ खाली ही चलेगा। तो भाई साहब ने 2 1-1 लीटर की बॉटल और 1 2 लीटर की बॉटल ला के दी है।
हाँ क्या हुआ? ठीक है ओके। पानी तो कहीं दिख नहीं रहा है, काम करते हैं इस बॉटल को इसी पानी से धो लेते हैं, वैसे भी पानी खाली ही करना है ना। तो एक गिर गया साला, खाली बॉटल यही मिल पाया मेरे को। 3 लीटर तो हो ही जाएगा। अच्छा ये भी है, चलो ठीक है 4 लीटर हो जाएगा। हाँ हाँ है, नहीं मेरे बैग में जगह है। हाँ हाँ ऐसा रहेगा और ये ऐसा रहेगा। अब फाइनली अपनी राइड स्टार्ट होती है। 12:30 हो गए, कहाँ 10 बजे का ऐसा सोचा गया था। लगता है नीचे कुछ बन रहा है, बढ़िया अच्छा लग रहा है यार। सीरियसली यहाँ से देखो पूरा व्यू आ रहा है ना, पूरा व्यू आ रहा है नीचे सिटी का। यार अभी अपोजिट साइड से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। जो व्यू है भाई साहब यहाँ से, मतलब लिटरली मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है ना कोई मेरे को ऐसा पिलियन बैठा ले और मैं सिर्फ देखता रहूँ। बस आप लोग बस नज़ारे का मज़ा लो, है ना यार। मेरी बातें सुन के आप करोगे क्या? अगेन हो फ्यूज का लग रहा है फिर से। ही इज मनोज एंड ही ओन्स अ गैराज, रॉयल एनफील्ड गैराज, सो यू नो नॉलेज है इधर। तो अभी अपनी राइड रिज्यूम होती है। उनके में 25 एम्पेयर का कुछ फ्यूज डाला और जो उनका इग्निशन स्विच वाला वायर है वो शायद कटा हुआ है, तो उसकी वजह से वो बार बार बंद हो रहा है। लेट्स होप कि यार बेचारा गाड़ी बंद मत हो। क्या लग रहा है यार, वो देखो ऊपर बादल है, बर्फ है, पहाड़ है। मतलब अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पहाड़ है वो नीचे है हमसे। आई डोंट नो ये कौन सी जगह है यार, मतलब अभी यहाँ सब रुके तो हैं। आई गेस ये साउथ पुल्लू है। सो दिस इज चेक पोस्ट साउथ पुल्लू। यहाँ से टॉप में एक ना ऐसा ऐसा ड्राइवर भाई ने बताया, टॉप में जो टावर जैसा दिख रहा है दैट इज़ खारदुंगला टॉप। बढ़ते हैं आगे। बैटरी अभी से 20% हो गया, बताओ 100% लेके निकले थे, अभी से 20% हो गया है और हिसाब से चलाना पड़ेगा क्योंकि बीच में रुकने का मौका ऐसा मिलेगा नहीं। चलो 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 आगे बढ़ो, फतेह करो, चलो। पहाड़ पहाड़ बर्फीले पहाड़, ओ ओ ओ ओ क्या मस्त लग रहा है बॉस। कांच खोलते बहुत ठंडा है, ऊपर रुका हुआ था। भाई स्नोफॉल हो रहा है और मुंह पे आके बर्फ लग रहा है यार। Have we reached? भाई हाथ जम रहे हैं, भाई स्नोफॉल शुरू हो चुका है और भाई यहाँ मतलब जो ठंड है वो 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 खतरनाक खतरनाक। इंजन भी ठंडा है यार। सो फाइनली वी रीच खारदुंगला टॉप। फोटो लेते हैं फिर निकलते हैं, है ना। पार्किंग का जगह नहीं ढूंढते, पार्किंग नहीं मिलेगा इधर कहीं भी। भाई बोर्ड के साथ तो मारा मारी इधर बहुत ज्यादा, फोटोज कैसे मिलेगा अपने को। सो भाई ये है खारदुंगला टॉप, बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब फोटोज के लिए बहुत ज्यादा मारा मारी, बट स्टिल वी आर गोना टेक एटलीस्ट सिंगल फोटो। फोटो से अलावा एक बहुत जरूरी चीज है जो आप लोगों को दिखानी है,
CHN Warrior Health Advisory. Oxygen level is very low. Do not halt here for more than 20 minutes. Drink plenty of water. If you feel headache, dizziness, immediately drive off to the lower altitude towards Nubra Valley. तो ये चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, जो कि थोड़ा ज़रूरी है। तो एक बार ऐसे आप लोग बर्फीले पहाड़ अच्छे से देख लो, क्योंकि अब मैं यहाँ से उतर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली अगर आप थोड़ा यहाँ पे रहेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, तो यू विल फील दैट कि हाँ, बोलने में, चलने में, कुछ भी करने में मेहनत ज़्यादा लग रही है। खारदुंगला टॉप के बोर्ड के साथ फ़ोटो के लिए तो बहुत ज़्यादा मारा मारी है, मतलब लोग लिटरली लड़ ले रहे हैं सब, मतलब एकदम पूरी तरह से वाइट हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा है, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है। हेलमेट खोलने से ठंडी हवा आ रही है और हेलमेट बंद करने से एकदम फॉग आ जा रहा है, तो बीच में फंसा हुआ हूँ। पहले बंद करता हूँ, फिर खोलता हूँ, फिर बंद करता हूँ, फिर खोलता हूँ, यही चल रहा है काफ़ी देर से। और काफ़ी ज़्यादा स्लश हो चुका है इधर, अभी बर्फ एकदम मुँह तक आ चुका है बर्फ, सामने का रोड दिख नहीं रहा है, मतलब थोड़े दूर में एक वो बाइक वाला खड़ा है, उसके अलावा मेरे को कोई नहीं दिख रहा आगे। हो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, एक्सपीरियंस फॉर अ लाइफ टाइम। हाँ, आज तक कभी स्नोफॉल नहीं देखा था, देख लिया, इतना बर्फ नहीं देखा था, देख लिया, इतने हाइट पे कभी नहीं चला, चला लिया। और यार सीरियसली आंटी लोग को देखो, यहाँ भी काम कर रहे हैं। वो 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 वेज आर टीम, वेज आर टीम। ओह मैन सीरियसली, अरे कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, सच बता रहा हूँ। बहुत ठंडा है और नहीं दिख रहा है, बट बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब इट्स लाइक कि जितना डिफिकल्ट हो रहा है उतना मज़ा आ रहा है। हाथ जम रहे बॉस, हाथ जम रहे। हाँ थोड़ा जल्दी हाइट कम हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ, यहाँ थोड़ा विजिबिलिटी ठीक हुआ है, फिर से आ गया। अभी बोल ही रहा था, ख़त्म हो गया, फिर से आ गया। थोड़ा संभाल के, थोड़ा नीचे आ गए। ओहो सूर्य देवता दर्शन दीजिए, बहुत ज़रूरत है इधर आपकी अभी। हाँ क्या मस्त लग रहा है यार। ओह ओह मैन, हाँ कहीं से लाइट तो आया वैसे। ओके सो वी हैव रीच्ड नॉर्थ फुल्लू, एल्टीट्यूड इज 15,000 feet। या थोड़ा ट्रैफिक से निकलते हैं यार पहले। सो फाइनली खारदुंगला से आ गए नीचे। यहाँ कैफ़े में लिया था 2-4 मिनट का ब्रेक, मतलब ऐसे ही चाय वाय मारे, और अब यहाँ से तुरंत निकल रहे हैं। ज़्यादा देर खड़े होने की हिम्मत हो नहीं रही है इधर, अभी भी जो हाथ हैं वो जम रहे हैं, तो बस मुश्किल से 5 मिनट और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और सनलाइट देखकर आज से ज़्यादा खुशी, इतनी खुशी कभी नहीं हुई, तो बस अभी चलते हैं, राइड कंटिन्यू करते हैं। इतनी ठंड में इतनी जल्दी बैटरी ड्रेन हुआ, इतनी जल्दी बैटरी ड्रेन हुआ कि पूछो मत। इटली कांच के अंदर अभी पानी है, अंदर साइड में, ठीक है, बाहर नहीं, अंदर साइड पानी है भाई। ये तो ऑफ रोड तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा बॉस। हाँ आई गेस अभी यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया होगा नुब्रा वैली मोस्टली। वो खड़ी है अपनी टीम प्रतापपुर। ओके दिस इज प्रतापपुर। कैसन बा, तू भाग लिया यार, तो एक ये क्या बड़ू बड़ू, चलो चलो। कैप्टन निकल गए, अभी भी कुछ लोग खड़े हैं पीछे। अरे वो बाइक गिर गया उसका, बाइक गिर गया, बाइक बाइक आ रहे अपन, आ रहे आ रहे, एक दो तीन लो, अब इधर गिरा दो। हो गया, इधर ना रेत बहुत है और रेत घुस रहा है। घूम जाओ घूम जाओ, नुब्रा वैली हुंदर डिस्किट सब इधर ही है। यहाँ से दिख रहा है भाई व्यू, कच्चप कच्चप। अरे लोग यहीं रुके हैं यार,
लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाउ वाज द राइड? सीरियसली टुडे इट वाज लिटरली स्कैरी। सो अभी हम लोग फाइनली नीचे आ गए, खालसा विलेज पहुंच गए, और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है? चार बज के 54 मिनट, 4:54, अभी हम लोग लंच करेंगे शाम के 5 बजे, है ना? चलिए देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते खाते। दिस इज अ हेलमेट सेल, आज का मेन्यू। अभी इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑर्डर क्या करना है। मैं आलू पराठा, इट इज देयर ट्रेडिशनल, इट इज देयर ट्रेडिशनल समथिंग। आलू पराठा और चाय भाई। हाँ चाय, चाय लेमन टी नहीं, नहीं नॉर्मल चाय। सूप लेगा, सूप लेगा, तुम्हें तुप्पा ही लेना हो डायरेक्ट, वो सूप ही होता है। चिकन तुप्पा, 1 2 3 4 5 चिकन तुप्पा ले। बहुत कंफ्यूजन चल रहा है क्या मंगाना है सब। He's very cute. ये आलू पराठा, ये चिकन मोमोज 2 प्लेट, और कितना आना बाकी? 2 प्लेट और 7 चिकन थुप्पा। चिकन थुप्पा ये हम लोग वहाँ भी देखे थे क्या, पांग में सुने थे, पर ऑर्डर नहीं किए डर के, आज देखते कैसा आता है। ये ना स्पेशल आइटम आया तो हर कोई फोटो ले रहा है अभी उसका, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। मैं बोला था ना वेज क्या चिकन थूप आया था, सब एक्साइटेड थे, ये हो रहा है उसका हाल। एक कटोरी वो खा चुका है, दूसरा खा रहा है। भाई चार इसी की लॉटरी लगी आज। क्या कितना हो गया? चौथा ही है। चार कटोरी खा गया तो आप लोग क्या खाए फिर? तो अपना लंच हो चुका है और अभी बस बढ़ना है नुब्रा वैली के लिए। लास्ट के 30 किलोमीटर्स बाकी हैं, पहुंचने में आधे घंटे 40 मिनट तो लग ही जाएगा, बाकी देखते हैं। ओके सो द राइड रिज्यूम्स। अराउंड 8 बजे के आसपास तक रोशनी रहती है और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं डिस्किट। डिस्किट जो है ये भी अराउंड 10,000 फीट के आसपास ही है। सूर्य देवता इतने ज़्यादा ब्राइट हैं अभी कि गॉगल्स पहनने के बाद भी क्लैरिटी नहीं आ रहा है। बाप रे बाप, ये देखो ये दिख रहा है पूरा रेत 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 रेत, पूरा डेजर्ट एरिया है। यहाँ भी क्या परमिट वाला सीन है, क्या क्या सीन है? हुंडर इधर जाने से आएगा, हुंडर इधर जाएंगे थॉइस। अरे ट्रैफिक है क्या? अरे आई थॉट वी आर वेटिंग फॉर सम यू नो एंट्री चेक पोस्ट ऐसा कुछ। अभी फिर थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब अभी कंफ्यूजन हो गया, कोई कट या पास मिस हो गया है, कोई सा टर्न मिस हो गया, तो उसके कारण जो टीम है वो थोड़ी यहाँ वहाँ हो गई है। अपना कैप्टन किस तरफ चला गया वो किसी को याद नहीं, समझ नहीं आ रहा है। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था तो नुब्रा वैली रिजॉर्ट। ओके याद रखना है नुब्रा वैली रिजॉर्ट। अभी मैं थोड़ा वापस आया हूँ देखने के लिए कि यहाँ अगर कैप्टन होंगे तो पता चल जाएगा। वो भीड़ दिख रहा है वहाँ से, एक बार आते हैं। अरे बाकी लोग वहीं हैं, मैं लेके आता हूँ। अच्छा वो उसका ओमकार कॉल आया था क्या? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ओ आई वॉज राइट। तो यही वो जगह है, मैं गलती सही जगह आ गया। तो अब मैं जाता हूँ और उन लोगों को लेके वापस आता हूँ। चलो यार हम लोग यही क्या देखोगे, डायरेक्ट जंप करते हैं उस पोर्शन पे। अभी 3 लोग को तो वापस भेज दिया, अभी ओमकार और शायद विजय भाई बाकी होंगे उस तरफ, मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लग रहा है। ऐसा बोले तो आ रहे हैं, तो अभी चलो वापस, फिर अभी वापस जा रहा हूँ। एक राउंड गया था फिर वापस आया, फिर अभी वापस जा रहा हूँ, तो वैसे आना जाना चल रहा है मतलब। चलो 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 चलो,
अब इनको एक काम करते हैं, धीरे धीरे करके पलटन को ओवरटेक करते हैं और इनको लेके जाते हैं। हाँ, वो लोग गाड़ी क्या हो गया, उनके गाड़ी क्या हुआ? सो वी हैव रीच्ड नुब्रा हुंडर, आई गेस वी हैव रीच्ड हुंडर। और अभी यहाँ का जो प्लान है बस इतना है कि सो फाइनली अपन पहुँच गए हुंडर, हुंडर नहीं हंडर, हाँ हंडर हुंडर। फाइनली एक बहुत लंबे टायरिंग दिन के बाद हम पहुंचे हुंडर में, अपने कैंप में। कैंप का नाम तो मैं भूल गया, ये अपना कैंप, ये मेरा लगेज एंड लकीली यहाँ पे पावर सॉकेट है, मतलब डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, चार्ज हो सकता है, विच इज़ वेरी गुड। सो यार आज का दिन बहुत मज़ेदार रहा, खारदुंगला में काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई लेकिन बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत, मैं बता रहा हूँ मतलब बहुत डिफ़िकल्टी हुई, आज तक मैंने इतनी कठिनाई में बाइक कभी नहीं चलाई मैं सच बताऊँ तो, बट ऑल वॉज वर्थ, हर चीज़ वर्थ वाइल थी, बहुत मज़ा आया। अभी तो मैं सो रहा हूँ, बहुत थक गया, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ एंड लिव योर लाइफ, हाँ इधर लाइट, एंड लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल। I have a friend over here from Kanyakumari and he is Manoj and I'll show you one thing. Hi Manoj. Hi. How's the temperature over there? Is it cold? Very cold. He is 6'2".